Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janab Mahmood Khan, Wazir Ala Pakhtunkhwa, Murad Said, यूथ के रहनुमा, मेरे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेंबर्स पार्लियामेंट और मेरे स्वात के जुनूनी टाइगर्स, मैं आपका शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, मैं जो भी लोग सिर्फ आपने उनको वोट देनी है जो बल्ले के ऊपर खड़े हो और जो हमारे तहरीक इंसाफ के नौजवान बल्ले के खिलाफ खड़े हुए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको बैठ जाना चाहिए क्योंकि हमने ये इलेक्शन जीतना है। अच्छा, अब मैं मेरे स्वात के नौजवान और मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैंने खास अल्लाह का सुबह उठ के शुक्र अदा किया। क्या वजह है स्वात के लोगों, मैं क्यों इतना खुश हूं? क्योंकि मैं और मेरी टीम, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, मेरा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, हमारा यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर मुनीर अकरम, 3 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास करें। अब नौजवानों, इस्लामोफोबिया क्या है, क्या चीज है ये मैं आपको समझाता हूं। 9/11 के बाद एक पूरी नफरत, एक नफरत की लहर चली मुसलमानों के खिलाफ मगरिब में, और वो क्या थी, वो 2 वजह पे थी। एक कि उन्होंने दहशतगर्दी और इस्लाम इकट्ठा कर दिया। दहशतगर्दी का कोई दीन नहीं होता, इस्लाम और दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं, उसके बावजूद उन्होंने इकट्ठा कर दिया और मुसलमानों को ऐसे तासुर दिया कि इस्लाम की वजह से दहशतगर्दी है। एक ये, और दूसरा वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी करते थे और जो भी उसके खिलाफ मुजाहरा करे वो आजादी राय के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, वो और हमें बुरा भला कहते थे कि देखें ये बड़े तंग नजर हैं। 3 साल कोशिश की, OIC की मीटिंग में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले 3 साल पहले मैंने अपने सारे मुसलमान मुल्कों को कहा कि हमें मिलके हर फोरम पे इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की तकरीर, वहां जाके पहली दफा किसी पाकिस्तान के सरबरा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की और मुसलसल मैं कोशिश करता रहा। मेरे या नौजवान जब भी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करते थे, सड़कों पे निकलाते थे, तोड़फोड़ करते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं इनको तब कहता था, नौजवानों मैं ये केस लड़ूंगा और इंटरनेशनली मैं केस लड़ूंगा। और कल अल्लाह का करम है,
कि कल कल ये फैसला हुआ, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हुई, 57 मुसलमान मुल्कों ने मिलकर पेश की पाकिस्तान की रेजोल्यूशन इस्लामोफोबिया के खिलाफ। सुबह से सारी मुसलमान दुनिया से मुझे मुबारकें मिल रही हैं। इस्लामोफोबिया का नुकसान सबसे ज्यादा जो मुसलमान मगरबी ममालिक में थे उनको होता था। आदमी दाढ़ी वाला निकलता था उसको बुरा भला कहते थे, औरत मुसलमान औरत हिजाब करती थी उसको सड़क पे गालियां निकालते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज सबसे ज्यादा जो खुश है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क मुसलमान है। हिंदुस्तान में आज कल हिंदुस्तान में कर्नाटका की अदालत ने फैसला किया कि मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं कर सकती, इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब करने से अदालत ने मना कर दिया, क्योंकि वहां एक तासुब वाली तंग नजर वाली आरएसएस की हुकूमत जो इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के दुश्मन है, अदालत ने यह फैसला कर दिया कि औरत अपने सर पे चादर नहीं ले सकती। यानी औरतें कपड़े उतार तो सकती हैं लेकिन कपड़े पहन नहीं ज्यादा सकती। यह है इस्लामोफोबिया। और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी कोशिशों की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने यह रेजोल्यूशन पास की। और अब मैं सवाल पूछता हूं, फजलुर रहमान मैं तुम्हारे से सवाल पूछता हूं, गलती हो गई सॉरी, मौलाना नहीं फजलुर रहमान, क्योंकि मौलाना आलम दीनों की दीन की मैं इज्जत करता हूं। तो मैं फजलुर रहमान से पूछता हूं कि 30 साल से हर हुकूमत में आप शामिल हुए हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ, बल्कि किसी से बात भी की? जब हमारे मदरसों के बच्चों को आप निकालते हैं इमरान खान के खिलाफ तो उनको क्या कहते हैं कि ये यहूदी लॉबी है। तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया है जो आपने आज तक 30 साल में नहीं कर सके। पाकिस्तानियों, ये 1973 के बाद, 1973 में पाकिस्तान की असेंबली ने फैसला किया था कि जो अपने जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है। ये 1973 की असेंबली ने फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि कायदियानी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है, वो अकलियत है। ये उसके बाद ये सबसे बड़ा काम हुआ है मुसलमान दुनिया के लिए कि आज यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किया है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया को आवाज बुलंद करनी चाहिए। और 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया का दिन बना दिया गया है। और साल के लोगों, मैं पूछता हूं इन पिछले 35 साल में जो 3-3 दफा वजीर आजम बने, मैं इनसे पूछता हूं कि कभी आपने यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ बात की? कभी आपने ओआईसी में बात की इस्लामोफोबिया के ऊपर? और खास तौर पे नवाज शरीफ,
जब आप पर्चियां पकड़ के अमेरिकी सदर के सामने बैठे हुए थे तो एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेनी थी, एक कश्मीर की भी पर्ची पकड़ लेनी थी, लेकिन जो गुलाम लोग होते हैं वो उनके कोई अकीदा नहीं होता, बिलीफ सिस्टम नहीं होता उनका, सिर्फ इस तरह के लोगों का जिनका पैसा खुदा होता है, जो पैसे की पूजा करते हैं उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। इंसान को स्वाद के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब आप यह फैसला करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आजाद हो जाता है इंसान। हमने, मेरे साथ जो चले थे 25 साल पहले, हमने अपनी तरीके इंसाफ का नस्बुलैन रखा था, इया का नाबदो व इया का नस्ताइन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इमरान खान अमरीकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है, पर्चा नहीं पकड़ता, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। नौजवानों, कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। हमारे मुल्क में जब 2008 से लेके 2018 तक ये दो जमातों, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जब इक्तदार में थे, 400 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान पे, 400। हमारी औरतें बच्चे मरे, बेकसूर लोग मरे, हमारे लोगों के घर बर्बाद हो गए। अमेरिका की जंग में शिरकत करके स्वात के लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, कितने लोगों ने नकल मकानी की, घर उजड़ गए लोगों के। तो क्या ये जो दो मुल्क के सरबरा थे, कभी इन्होंने अमेरिका को ये कहा कि एक तरफ हम तुम्हारी जंग में शिरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर ही बमबारी कर रहे हैं? ये कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क पे ये गुजरी है? नहीं गुजरी। ये क्यों नहीं बोले? स्वात के नौजवानों, आप बादशाहूर लोग हैं, सुने क्यों नहीं बोले? अगर इमरान खान के भी अरबों रुपए मुल्क से बाहर ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े होते, मैंने यहां से चोरी करके मैं भी बड़े बड़े महलात लंदन के अंदर मेरे होते, बच्चे मेरे महलों में रह रहे होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं चला रहा होता चोरी के पैसे से, तो मैं भी उनके सदर के सामने पर्चियां लेके बैठा होता। क्योंकि जब स्वात के नौजवानों, जब वो चाहें, आज जिस तरह रूसियों के साथ, जितने भी रूसियों के बड़े बड़े उनके बिजनेसमैन के बाहर पैसे पड़े हैं मगरब के अकाउंट्स में, बैंकों में, उनके जायदाद सब जब्त हो रही हैं, तो इनको भी पता है कि जिधर इनके पैसे पड़े हैं, इनके महलात हैं, जब चाहे वो इनको जब्त कर सकते हैं। इनके पैसे ने इनको गुलाम बनाया है, इनके चोरी के पैसे ने इनको झुका दिया उनके सामने, और इन्होंने इस कौम को, जो एक अजीम कौम है, इन्होंने हमें भी अपनी हरकतों से हमें दुनिया में जलील किया है। ये सुन लें कि एक कौम, 100 गिदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो, वो जीत जाएगी 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ो। हमारी एक अजीम कौम है, ऊपर करप्ट जब लोग बैठे
एक तो पैसा चोरी करके बाहर ले गए, कौम को मकरूज कर दिया। 10 सालों में इनके 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा पाकिस्तान का, मुल्क को मकरूज कर दिया। बाहर 20-20, 25-25 निजी दौरे किए जब कौम को मकरूज कर रहे थे। और मेरे पाकिस्तानियों, यही नहीं सिर्फ इन्होंने किया, इन्होंने मुल्क के मफादात को अपनी जात के लिए कुर्बान किया। तो मैं आज स्वात के लोगों आपके सामने ये कहना आया हूं कि आप सब इस मुल्क की बका के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों अपने मुस्तकबिल के लिए, ये समझ जाएं कि ये जो करप्ट टोला, ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत के एमपीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। ये आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और क्या कोशिश हो रही है, सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे एमएनएस को खरीदने आए हैं, और खरीदने इसलिए आए हैं कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं, और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। और इन्होंने फैसला किया सबने कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा, नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती, खुल के कह रहे हैं कि हमारे साथ ही नैब खत्म करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो आने वाले दिन हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है। इसमें फैसला होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। इसमें सब चोर एक तरफ हो गए, और इन सब ने मुझे मौका दिया है, जिस तरह मैंने कहा कि इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। ये वो लोग हैं नौजवानों, ये वो लोग हैं आज जो ये खौफजदा हैं, जिस चीज से खौफजदा हैं वो ये कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मैं चैलेंज करता हूं सबको कि मुआवजना कर लें कि इनके दौर में हालात क्या थे और हमारे 3.5 साल में क्या है। हर चीज में हम इनसे आगे हैं, मुश्किल हालात में पाकिस्तान बना। पहले दिवालिया निकाला हुआ था इन चोरों ने, उसके बाद कोरोना आ गया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अपनी कौम को, हमने जो फैसले किए, अपनी कौम को कोरोना से भी बचाया और अपनी मायशत भी बचाई। दुनिया ये मानती है, दुनिया किस तरफ जा रही थी, हमने दुनिया के मुखालिफ फैसले किए, और आज दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान ने अपने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए फैसले किए थे वो सबसे बेहतरीन थे। आज हमें मानती है दुनिया, हमने उस दौर में एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड की, सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान का इकट्ठा किया। उस टैक्स से 10-10 रुपए हमने पेट्रोल और डीजल कम किया, 5 रुपए यूनिट बिजली कम की,
हमारी टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स इस मुल्क के अंदर कभी इतना ज्यादा ज़राअत के अंदर पैसा नहीं आया। गंदम की रिकॉर्ड, मकई रिकॉर्ड, चावल की रिकॉर्ड फसल। वो मुल्क जिसके जो ज़राअत का मुल्क था, पहली दफा किसानों को इस तरह का पैसा मिला। आईटी जो नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, रिकॉर्ड आईटी की एक्सपोर्ट्स की। मैं चैलेंज करता हूं, हर चीज में हम इनसे आगे हैं। हम वो हैं जिन्होंने पहली दफा अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचते हुए मौसम की तब्दीली को बचाने के लिए पहले 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में उगाए, अब 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में उगाने जा रहे हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। हमने 10 डैम्स शुरू किए हैं पाकिस्तान में, 50 साल के बाद बड़ी डैम्स बन रही हैं। ममन डैम 2025 में जो सारे पेशावर के इलाके को इनकलाब आ जाएगा, वहां ज़राअत में भी पेशावर के लोगों को पानी भी मिलेगा। उसके बाद दासू डैम, उसके बाद बाशा डैम 2028 तक बनेगी, जो पाकिस्तान का जो पानी है, जो रिजर्वॉयर है, वो दुगना हो जाएगा। इससे और जमीन काश्त में आएगी, इससे और ज्यादा इंशाल्लाह अनाज इस मुल्क में होगा, इससे इंशाल्लाह और खुशहाली आएगी। तो आखिर में स्वात के लोगों, जरा मुझे अब आपने हाथ उठा के बताना है कि क्या, अभी हाथ नीचे करो, अभी मैं बताऊंगा, क्या आप तैयार हैं कि एक गेंद से मैं 3 विकेटें गुराऊं? और ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठा है, अच्छा ये जरा सुने, कभी अपने टेलीफोन के ऊपर कभी गूगल करके देखें कि कभी हुआ है 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। बेटी के नाम में 4 बड़े बड़े लंदन के महंगे इलाके में घर हैं, एक अभी तक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी का पैसा है। उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो भी बाहर बैठा है, उसके बेटे भी बाहर, अरबपति सारे। इधर हमारा जो 3 के साथ जो शक्ल नजर आती है सूट पहन के, वो सूट इसलिए पहनता है कि जब वो यूरोपियन को मिलता है या अमेरिकी एम्बेसी से लोगों को मिलता है तो बताता है कि सर मैं भी आप ही इतना हूं, देखिए मैंने सूट पहना हुआ, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो शोबाज के आपको पता है मकसूद चपड़ासी कौन है? मकसूद चपड़ासी वो है जो शहबाज शरीफ की चपड़ासी बना हुआ था। एक दिन उसको पता चला उसके बैंक में 375 करोड़ रुपया आ गया है और बाकी जो नौकरों के नाम पे 1600 करोड़ रुपया आया। तो जब से अदालत में पूछ रहे हैं कि जी पैसा किधर से आया, तो कभी शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो जाती है, कभी उसका वकील भाग जाता है, डेट्स पे डेट ले रहा है, इसको भी डर लगा हुआ है, इसको डर लगा हुआ है कि अगर ये इमरान खान रह गया तो ये अगले 2-3 महीने में ये भी जेल में जाएगा। तो ये सारे मुजरिम और मुलजिम इकट्ठे होके अब कोशिश कर रहे हैं पैसे लगा के कि किसी तरह लोगों को खरीदे। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूं कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आईन के अंदर इजाजत है? क्या दुनिया की कोई जमहूरियत इसकी इजाजत देती है? क्या कभी बर्तानिया में कभी आपने सुना है, जिधर से हमने जमहूरियत लेके आए हैं, कभी सुना है कि बर्तानिया में इस तरह की हरकत हो? तो इससे क्या साबित होता है? और मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करते हुए कुरान की वो आयत आपके सामने रखता हूं
जिसमें अल्लाह मुसलमानों को हुक्म करता है अमर बिन मारूफ व नहीं अनल मुनकर कि तुम, और पूरी आयत है कि तुम सबसे अजीम कौम मैंने पैदा किया दुनिया की इमामत के लिए, क्योंकि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जहाद करते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। जो लोग ये तमाशा देखते हैं कि चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है, 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है, तो कौम के ऊपर लाजम हो जाता है कि कौम इसके खिलाफ खड़ी हो। लिहाजा 27 तारीख को जो मैंने इस्लामाबाद में इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी है अमर बिल मारूफ। मैं चाहता हूं मेरी कौम निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान पायदाबाद।